हाटेबाजारी एक्सप्रेस से फायरिंग करते हुए 2 करोड़ के सोने की लूट, मचा हड़कंप। कटिहार बरौना रेलखंड पर हाटेबाजारी एक्सप्रेस में हुई स्वर्ण व्यवसायी से 2 करोड़ मूल्य के सोने की लूट हुई। नवगछिया रेल थाना अंतर्गत काढ़ा गोला और बकरी स्टेशन के मध्य मधेपुरा के व्यवसायी से लूट हुई है। बताया जा रहा है कि व्यवसायी 2 किलो से ज्यादा का सोना सियालदा से मधेपुरा ले जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही नवगछिया और कटिहार जिले की पुलिस, रेल पुलिस, आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि एसी कोच में लूट के बाद अपराधियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया। मौके पर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करते हुए निकल गए। लूट की घटना को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं। वहीं कटिहार रेल एसपी संजय भारती, डीएसपी कुमार देवेंद्र, नवगछिया आरपीएफ इंस्पेक्टर मृणाल कुमार, जीआरपी प्रभारी सहित कई अधिकारी मौके पर कैंप कर छानबीन कर रहे हैं। उतर जाते हैं, देखते हैं क्या बात है, लड़का लोग कैसे घूम रहा है। उतने में जैसे सीट पे लेटे हुए तो उठे कि उधर से आया हमारा कलो पकड़ के बोला, तुम लोग का सामान का सामान सब दिखाओ ये वो। उसने मेरे सिराना के नीचे एक बैग था, वो बैग को वो दिखा तो झट्टी मार के वो लेके निकल गया। उसका पिस्टल दिखाया, पिस्टल दिखाते हम सोचे एक बार पकड़ते हैं उसको। उतने में वो लोड कर लिया, ट्रेन रुकी हुई थी पुलिंग करके वो उसको रुका हुआ था ट्रेन को। उसके बाद मेरे हाथ में मिर्च का पाउडर फेंक दिया गया, वो लोग भागते हुए निकल गए। कितने की संख्या में थे ये? काड़ा गोला और बकरी के बीच में हुआ है। वो लोग संख्या कितनी थी? संख्या में थे वो लोग, मेरे पास तो 3 आदमी आए। जब ट्रेन से उतरे तो एक आदमी हो सकता गेट पे खड़ा हो, उतने क्रम में देखा गया कि वो लोग 4 आदमी। फायरिंग भी हुई? उसके बाद हम गेट पे पीछे पीछे भागे तो लास्ट में वो एक फायरिंग किया वहाँ से। क्या था आपके बैग में? आपके साथ हमारे पास ज्वेलरी था, ऑर्नामेंट गोल्ड का। कितने का था? 2500 ग्राम के आसपास था, 2.5 किलो। कितना मूल्य होता है इसका? 1.25 करोड़ के आसपास होगा अनुमान उसका। मामला दर्ज किया है नवगछिया थाना पे। हम उतरे हैं रेलवे स्टेशन पे जीआरपी में, वो लोग इंस्पेक्शन सब कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पारस मुरसोनी। घर कहाँ? मधेपुरा। व्यापार के काम से आप? जी, व्यापार के सिलसिले से मैं गया था और वापस आ रहा था। कहाँ गए थे? सियालदा कलकत्ता। ठीक। लूटपाट हुई है, क्या मामला है सर? कितना? लगभग ये सूचना हम लोग को नवगछिया थानाध्यक्ष द्वारा लगभग 9:30 बजे के आसपास दी गई कि ये मधेपुरा के स्वर्ण व्यवसायी जिनका है, उनका नाम न्यू सोनी ज्वेलर्स के नाम से उनकी दुकान है, वो हाटे बाजार से मैंने कि सहरसा के लिए जा रहे थे और जैसे ही वो ट्रेन लगभग 9:15 बजे के पास काढ़ा गोला और बकरी के बीच पहुंची, तो उसी बीच में उस ट्रेन को चेन पुलिंग किया गया और इसमें से 3-4 व्यक्ति के द्वारा मिर्चा मुख कर जो बैगी में बैठे थे उनका पिट्ठू बैग ले लिया गया, जिसमें है कि सोना मैंने कि लगभग बताई जाती है, जिनके द्वारा ऐसे बताया गया है कि लगभग सोने की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1 किलो से ज़्यादा है, 1.5 किलो से ज़्यादा। लेकिन इसके बारे में कागजात के बारे में उनसे पूछा गया तो बोले कि कागजात भी उसी में था जो चला गया। कागजात मिलने के बाद ही उसके मात्रा कितना थी आपके उस पर आकलन या जो भी करना अंतिम रूप से आकलन किया जाना संभव प्रतीत होता है। इसके अलावा जैसे ही सूचना मिली वहाँ जाकर जो भी जिस रूट से अपराधकर्मी भागे थे उसका अति किया गया, तुरंत वहाँ मेरी टीम DIU और जो भी SIT की टीम वहाँ पहुँच गई और लगातार जिसे रिट्रीट किया है जिस अति में अपराध के विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है और पता किया जा रहा है और जो भी तकनीकी साक्ष्य या इनपुट जो भी मैनुअल आसूचना के द्वारा है और जो भी पूर्व से जो आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं जो भी संबंधित थाना में ये पूछते ये बरारी थाना में पड़ता है ये एरिया जहाँ पड़ती है, तो इसके आधार पर हम लोग इसको उद्भेदन कर उद्भेदन किया जाएगा और जो भी इसमें लोग संलिप्त होंगे उसके विरुद्ध जो भी साक्ष्यांश कड़ी से कड़ी। सर कुछ लोगों का कहना है कि अपराधी भागते समय फायरिंग भी किए हैं। फायरिंग की बात आई है, बताया है लोगों ने, लेकिन कोई वहाँ पर कोखा वगैरह अभी तक नहीं मिला है। ट्रेन में जिस समय घटना भी उस समय ये बात आ रही है प्रकाश में कि उनको मिर्चाए का जो बुकिंग है वो झोंका गया, कुछ उस जगह तो सुनसान जगह है ऐसे उस जगह तो कोई स्टेशन वगैरह भी नहीं है, लेकिन संभावना ये है कि कुछ यात्री लोग में उनका हो सकता है कि वो उसी आशंका में हो सकता है, लेकिन अभी तक
को पूरी तरह से इस पर भी अथी किया जाएगा, उसके बाद ये सब किया जाएगा। लेकिन लूट की घटना घटित हुई है, ये बात स्पष्ट रूप से।